भगवान शिव के 12 अनमोल वचन को अपने जीवन में धारण कर लिया तो कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल है। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विज्ञान है। भगवान शिव की अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। आगम का अर्थ ज्ञान अर्जन। पारंपरिक रूप से शैव सिद्धांत में 28 आगम और 150 उप आगम हैं। शिव पुराण, शिव संहिता, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र सहित अनेक ग्रंथों में अनमोल वचनों को संग्रह करके रखा गया है। उनमें से ही कुछ अनमोल मोती कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल करते रहते हैं। दुनिया में आज जो दहशत और अपराध का माहौल है उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज्यादा योगदान है। बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी। पार्वती और शिव के बीच जो संवाद होता है उसे विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रह किया गया है। इसमें ध्यान की 112 विधियां संग्रहित है। शून्य में प्रवेश करो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती जी से कहते हैं, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्ग परमगहनो योगिताम पयगम, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी आगम्य है। मेरु तंत्र भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहते हैं। इसी की एक शाखा हट योग की है। आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग द्वेष ईर्ष्या वैमनस्य अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पार्श्विक वृत्तियां रहती है तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान है। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। मरना सीखो। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। गायत्री मंत्र। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है जिसमें भगवती पूछती है, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है? उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों के योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना जाता है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए भोजन और पान से उत्पन्न उल्लास रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरे, उसमें महान आनंद होगा या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलने से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाए। 8 प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही करते हैं। योग की शक्ति समझो। विस्मयो योग भूमिका स्वपंद शक्ति वृतक आत्मज्ञानमु लोकानंद समाधि सुखम शिव सूत्र, अर्थात विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं स्थिति ही शक्ति है। वृतक अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। अपनी तरफ देखो।
था, न तो पीछे न तो आगे, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। शिव सूत्र। माया को समझो, आत्मा चित्तम कलादिना तत्वानाम विवेको माया मोहावरणात सिद्धि जागृत द्वितीय कर। शिव सूत्र। अर्थात आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत ही मेरी ही किरणें का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की जरूरतों को एक तरफ छोड़ दो।